हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक अद्भुत ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, भगवद गीता। ये ग्रंथ हिंदू धर्म का अद्वितीय और अद्वितीय दर्शन को समर्थन करता है और महाभारत के युद्धभूमि में किए गए एक संवाद के रूप में प्रस्तुत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। ये ग्रंथ ध्यान, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से सच्चे जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता आध्यात्मिकता और जीवन कौशल में एक अद्वितीय संदेश प्रदान करती है जो हर किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस वीडियो में हम इस प्राचीन ग्रंथ के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और संदेशों को एक सरल भाषा में समझेंगे ताकि हम सभी इस सुप्रसिद्ध ग्रंथ के गहरे अर्थ को समझ सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। चलिए इस अद्भुत यात्रा में हम सभी मिलकर भगवद गीता के रहस्यों को खोजें और जीवन को सफलता और सुख की दिशा में बदलें। अध्याय एक, अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसे अर्जुन का दुख भी कहा जाता है। यह अध्याय महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत पर आधारित है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अर्जुन से संवाद करते हैं। अर्जुन, जो महाभारत के युद्ध भूमि पर खड़ा है, अचानक आपसी युद्ध के दृश्यों से भूतपूर्व और वर्तमान संबंधित दुखों में डूबा हुआ है। वह अपने शिक्षकों, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए उनसे मिला है और अब उसे यह सोचना है कि क्या ये युद्ध उचित है या नहीं। अर्जुन का विषाद वहां होने वाले युद्ध के सामने उत्सुक होने के बजाय उसकी आत्मा को व्याकुल कर रहा है। उसे युद्ध भूमि पर अपने पुरखों, बंधु बांधवों और गुरु शिक्षकों को नष्ट करने का विचार हो रहा है जो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उसका मन दुविधा, उदासीनता और विषाद से भरा हुआ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को समझते हैं और उसके मन को शांति और सकारात्मकता की दिशा में मोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रेरित करते हैं। इसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की समस्याओं और दुखों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे धर्म की अद्भुतता को समझना चाहिए। इस अध्याय ने हमें ये सिखाने का मौका दिया है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और भगवद गीता का सार्थक अर्थ क्या है। अध्याय दो, सांख्य योग। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जो भगवान श्री कृष्ण के सांख्य योग के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विस्तृत रूप से वर्णित करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग के सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो जीवन को समझने और सामंजस्यपूर्ण रूप से जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सांख्य योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा और प्रकृति के बीच के अंतर को समझना है। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग के माध्यम से बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य मुक्ति है, जो आत्मा को संसार बंधन से मुक्त करना है। वह व्यक्ति को अच्छे कर्मों का आदान प्रदान करने और भाग्यशाली बनने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उन्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्म फल की आसक्ति से बचने के लिए कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। इस अध्याय में सांख्य योग के सिद्धांतों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन को सामंजस्यपूर्णता और आत्मा के साथ संबंधित रूप में कैसे देखा जा सकता है, जिससे हम अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से समझ सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। इस योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सांत्वना और सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जो अनंत शांति और समृद्धि की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। अध्याय तीन, कर्मयोग। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है, जो कर्मयोग के माध्यम से सही तरीके से कर्म करने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उचित तरीके से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और सच्चे कर्मयोग का मार्गदर्शन करते हैं। कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य कर्म करते हुए आत्मा को मुक्ति में साधन करना है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग में कर्म करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कर्म से दूर रहना चाहिए, बल्कि सही तरीके से कर्म करना चाहिए और उसके फलों के लिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से हमें कर्म करने में निर्बंधता, उत्साह और समर्पण होना चाहिए।
हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कर्मयोगी को मुक्ति की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म करना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें इसे सही तरीके से निष्काम भाव से करना चाहिए। इससे हम अपने कर्मों में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को मुक्ति की दिशा में बढ़ा सकते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जो ज्ञान और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान का महत्व और सही तरीके से कर्म करने के उपायों पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कर्म संन्यास योग के माध्यम से यह सिखाते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि इनका सही संयोजन हमें उच्चतम आदर्श जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार होता है और कर्म के माध्यम से हम इस साक्षात्कार को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसकी चर्चा होती है। इस योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का महत्व बताया है और साथ ही कर्म का भी महत्व प्रमोट किया है। वह कहते हैं कि ज्ञान बिना कर्म कठिन हो जाता है और कर्म बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि अद्वितीय आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमें सही तरीके से कर्म करना चाहिए और कर्मयोग के माध्यम से कैसे अपने कर्मों को निष्काम भाव से कैसे करें, ये ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है। इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सही तरीके से ज्ञान और कर्म का संयोजन कर सकते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जो कर्म संन्यास के माध्यम से सही तरीके से कर्म करने के सिद्धांतों को विस्तार से बताता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साक्षात्कार और निर्द्वंद्व भाव की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, जो कर्म संन्यास के माध्यम से साधक को जीवन में कैसे लागू करने चाहिए। कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि कर्म को त्यागना नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये योगी को सकाम कर्मों को निष्काम कर्मों में कैसे बदला जा सकता है, इस पर बताता है। इस योग में भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही एक दूसरे को पूरक हैं। एक सच्चे कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है और उनके फलों का आसक्ति में नहीं होता। उसे संगति, समर्पण और निष्काम भाव से कर्म करने का सिखाया जाता है। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही दृष्टिकोण से कर्म करने के लिए हमें किसी भी कारण से कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। कर्म संन्यास योग हमें एक सकाम कर्मयोगी बनाकर साधक को जीवन के सार्थक मार्ग पर ले जाता है, जो आत्मा के साक्षात्कार और निर्द्वंद्व भाव की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग है, जो ध्यान या मेधावी भावना के माध्यम से आत्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया पर ध्यान करता है। इस योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण साधक को आत्मा के साक्षात्कार की मार्गदर्शन करते हैं, ताकि वह अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा के साक्षात्कार में समर्थ हो सके। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य मन को निग्रहित करने और आत्मा के साक्षात्कार के लिए ध्यान में समर्थ बनाना है। ये योग साधक को मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों की शिक्षा देता है, जो उसे आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में ले जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के माध्यम से मानव मन की प्रवृत्तियों और आत्मा के साक्षात्कार की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। वे बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए साधक को नियमित अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण साधक को आत्मा के साक्षात्कार में उच्च स्थिति की प्राप्ति के लिए ध्यान की प्रक्रिया को बताते हैं। वे साधक से उच्च अद्वितीय आत्मा में समाहित होने के लिए मन को वश में करने का मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान योग से हम ये सीख सकते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और ध्यान में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। ये साधक को आत्मा के शांति, ज्ञान और परमानंद की अद्भुतता में ले जाता है, जिससे वह जीवन को सार्थक और समर्थन में बदल सकता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जो ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साधक को जीवन के रहस्यमय पहलुओं और परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं।
ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सृष्टि और जीवन का आदि कारण, संसार के रहस्यों का विश्वविद्या और अनंत आत्मा का स्वरूप है। वे ये सिखाते हैं कि साधक को अपने असली स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान और विज्ञान का संयोजन करना चाहिए। इस योग में भगवान कहते हैं कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमात्मा का ज्ञान, जिससे साधक अपने आत्मस्वरूप को समझ सकता है। ये साधक को मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है और उसे संसार के चक्र से मुक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण साधक को ये बताते हैं कि जीवन का सबसे उच्च लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार है और उसका सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण और अंतर्मुखी भावना को विकसित करना चाहिए। इस योग से हम ये सीख सकते हैं कि साधक को अपने स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और विचार का सही संयोजन करना चाहिए। ये साधक को अनंत ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का समझने का अनुभव और अद्वितीय ब्रह्म के साथ एकता में पहुंचा सकता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जो अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म के बीच अंतर को समझाता है और उन दोनों के साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं कि अच्छे कर्मों और उच्च भक्ति के माध्यम से चित्त शुद्धि प्राप्त होती है और फिर साधक अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने में समर्थ होता है। अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म अनंत, अविनाशी और अद्वितीय है। यह आत्मा का सच्चा स्वरूप है और साधक को इसे साक्षात्कार करने के लिए साधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में शिक्षा देते हैं कि साधक को योगी के रूप में ध्यान करते हुए मरण के समय अपने मन को समर्थ बनाना चाहिए और अच्छे भावनाओं के साथ आत्मा को परमात्मा में समर्पित करना चाहिए। इससे योगी अंत में अपने सच्चे स्वरूप में परमात्मा के साथ मिल जाता है। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म, भक्ति और योग के साथ साधक को अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में सफलता मिलती है। ये योगी को संसार से मुक्ति और परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति में सहायक होता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग है, जो राजविद्या, राजगुह्य और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साधक को भक्ति और उसके सच्चे स्वरूप की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण साधक को बताते हैं कि राजविद्या या राजगुह्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय ज्ञान है जो सभी भक्तों को प्रदान किया जाता है। ये ज्ञान साधक को भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके सार्वभौम रूप का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं का रूप है, सब कुछ उन्हीं के आत्मस्वरूप में लिपटा हुआ है और जो भक्त इस सच्चे रूप को समझता है वह उनके साथ एक रूप हो जाता है। राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की अद्वितीयता और समर्पण की महत्वपूर्णता पर बल देते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान के साथ सच्चे संबंध में स्थित होता है और उसे आत्मा का अद्वितीय स्वरूप प्रकट होता है। इस योग से हम ये सीखते हैं कि भक्ति एक सर्वोत्तम और सीधा मार्ग है जो हमें भगवान के साथ सच्चे संबंध में ले जाता है। ये भक्ति साधक को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की भावना में रखकर उसे अद्वितीय ब्रह्म के साथ एकता में पहुंचा सकता है। अध्याय 10 विभूति योग। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है, जो भगवान की विभूतियों और उनके महत्वपूर्ण स्वरूपों की चर्चा करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्वितीय और अनंत विभूतियों का वर्णन करते हैं और साधकों को उनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। विभूति युग में भगवान श्री कृष्ण विभूतियों का वर्णन करते हैं और साधकों को ये बताते हैं कि संपूर्ण जगत में उनकी अनंत विभूतियां विद्यमान हैं, जिनसे साधक अपने मन को परमात्मा की ओर ध्यानित कर सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि सभी विभूतियां उन्हीं की अद्वितीय शक्ति से हैं। वे अपनी अनंत शक्तियों के माध्यम से सभी धर्मों को स्थापित करते हैं और साधकों को उन्हें समझने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान के विभूतियों का विचार करने से हमें ये सीखने को मिलता है कि संपूर्ण जगत में परमात्मा की अनंत विभूतियां विद्यमान हैं और साधकों को इन विभूतियों के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह अध्याय साधकों को प्रेरित करता है कि वे जगत में हर एक वस्तु में परमात्मा की उपस्थिति को समझें और उससे संबंधित भावनाएं विकसित करें।
अध्याय 11 विश्वरूपदर्शन योग। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूपदर्शन योग है, जो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के अनुभव को साधक को प्रदान करता है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान की विश्वरूप को देखकर उनके अद्वितीय और अनंत स्वरूप का अनुभव करता है और भगवान उससे अपनी दिव्य विश्वरूप की महिमा का वर्णन करते हैं। विश्वरूपदर्शन योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप में देखने का अवसर देते हैं, जो भगवान की अद्वितीयता और अनंत सत्ता को प्रकट करता है। भगवान का विश्वरूप अद्भुत और असीम है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देखकर हैरान और भयभीत होता है, क्योंकि वह इस रूप की अद्भुतता और महत्वपूर्णता से अछूता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह विश्वरूप उनकी अनंत शक्ति, कृपा और करुणा को प्रकट करने के लिए है और यह सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस योग से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए साधक को अपनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ध्यान में लगाना चाहिए। भगवान का विश्वरूप साधक को अनंत ज्ञान, परम शक्ति और निर्मल भक्ति का अनुभव कराता है, जिससे वह अपने जीवन को भगवान की सेवा और उनके मार्ग पर समर्पित कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है, जो भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता पर चर्चा करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साधकों को भक्ति में स्थिर रहने की विधि और उसके लाभों को समझाते हैं। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण साधकों से कहते हैं कि भक्ति वह मार्ग है जो सर्वोत्तम है और सबसे सुलभ है। भक्ति के माध्यम से साधक परमात्मा के प्रति अद्वितीय प्रेम और समर्पण की भावना में स्थित होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भक्ति में साधक परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण में स्थित होता है, राजसिक भक्ति में वह भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा में होता है और तामसिक भक्ति में साधक परमात्मा के प्रति अज्ञान और अनादर में स्थित होता है। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण भक्तों से कहते हैं कि भक्ति में स्थिरता और समर्पण होना आवश्यक है। भक्ति के माध्यम से साधक अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के साथ एकता में पहुंचता है और परमात्मा के प्रति प्रेम में समर्पित होकर उससे अद्वितीयता की अनुभूति करता है। इस योग से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति मार्ग से साधक परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण में स्थित होकर उससे समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति के माध्यम से साधक अपने जीवन को एक मार्गदर्शन में रखता है और परमात्मा के साथ सच्चे संबंध में समर्पित होता है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जो शरीर और आत्मा के बीच अंतर को समझाता है और क्षेत्रज्ञ की स्वरूपता पर विचार करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण छात्र अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझकर वह आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विभिन्नता को बताते हैं। क्षेत्र शरीर को संक्षेप में दर्शाता है, जबकि क्षेत्रज्ञ आत्मा को दर्शाता है जो शरीर में निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर केवल भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जबकि आत्मा अक्षर और अद्वितीय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र का विवेचन करते हैं और बताते हैं कि शरीर के अलावा सभी तत्व इसमें समाहित होते हैं, जैसा कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और पंचेंद्रियां। क्षेत्रज्ञ या आत्मा इस शरीर के अंतर्गत स्थित होती है, परंतु वह सच्चा स्वरूप में अविकारी और अनंत है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग में साधक को ये सीखने को मिलता है कि शरीर सांसारिक प्रक्रियाओं में शामिल है, जबकि आत्मा अशरीरी और अविकारी है। साधक को अपने शरीर को देखकर ही नहीं, बल्कि आत्मा के स्वरूप को समझकर उसके पीछे छुपे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन होता है। इससे साधक अपने असली स्वरूप को समझता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग धारा प्रवाह की भांति अपनाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, जो गुणों के विभाजन और उनके प्रभावों पर विचार करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साधकों को सत्व, रजस और तामस गुणों की महत्वपूर्णता और उनके प्रभावों का वर्णन करते हैं। गुणत्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण गुणों के विभाजन को समझाते हैं और बताते हैं कि ये गुण संसार में सभी जीवों के कर्मों को प्रेरित करते हैं। सत्व गुण
इस गुण में रहने वाले व्यक्ति प्रकृति के शुद्धता, ज्ञान और प्रेम के गुणों से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति में समझदारी, तृप्ति और सकारात्मक भावना रहती है। रजोगुण, इस गुण में रहने वाले व्यक्ति को आक्रामकता, आसक्ति और उत्साह के गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति में क्रियाशीलता और आत्मसमर्पण की भावना होती है। तामोगुण, इस गुण में रहने वाले व्यक्ति में अज्ञान, अनिष्ट और अंधकारिता के गुण प्रबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति में असमर्थता, निर्धनता और असफलता की भावना होती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त जीवात्माएं इन तीन गुणों के प्रभाव में बदलती रहती हैं और कर्मों के आधार पर योनियों में पुनर्जन्म पाती हैं। गुणत्रय विभाग योग साधक को ये बोध कराता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्वगुण को बढ़ावा देना आवश्यक है, जबकि रजोगुण और तमोगुण को कम करना आवश्यक है। साधक को अपने कर्मों को सत्वगुण में आचरण करना चाहिए और उसे आत्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जो परम पुरुष या भगवान के महात्म्य की महत्वपूर्णता पर चर्चा करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साधकों को ये सिखाते हैं कि परम पुरुष का ध्यान करके ही वह अनंत सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण अपने परम पुरुष स्वरूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही साधक उस परम पुरुष के पास पहुंच सकता है। अश्वत्थ वृक्ष, भगवान अपने परम पुरुष स्वरूप को एक अश्वत्थ वृक्ष के समान बताते हैं, जो संपूर्ण जगत को आवरित करता है और उसके नीचे समस्त धार्मिक और अधार्मिक शाखाएं हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष को आत्मा का निराकार, अनंत और अविनाशी स्वरूप दिया जाता है। दो पुरुषो, भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के पुरुषों की चरित्रिक विवेचना करते हैं, एक आद्य पुरुष और दूसरा परम पुरुष। आद्य पुरुष जीवात्मा को दर्शाता है, जबकि परम पुरुष ईश्वर या भगवान को दर्शाता है। साधक को ये जानना चाहिए कि सभी जीवात्माएं परमात्मा से उत्पन्न होती हैं और उसी में मिलती हैं। शरीर और शरीरी, भगवान श्री कृष्ण शरीर और शरीरी की उपमा द्वारा अपना स्वरूप दिखाते हैं। उनका कहना है कि जैसे शरीर का परिचय तत्वों और गुणों के माध्यम से होता है, वैसे ही शरीरी का परिचय भगवान के अनंत गुणों के माध्यम से होता है। शरीर संसारिक जीवन को जीने का एक उपाय होता है, जबकि शरीरी भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना में रहकर उसकी उपासना करता है। पुरुषोत्तम योग साधकों को ये बोध कराता है कि सच्ची भक्ति के माध्यम से ही वह परम पुरुष के साक्षात्कार का अनुभव कर सकते हैं और उनका साक्षात्कार होना ही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इस योग से साधक अपने आत्मा को पहचानता है और उसके माध्यम से परम पुरुष के साथ एकता में पहुंचता है, जिससे उसे अनंत सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन। भगवद गीता, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आध्यात्मिक बोध देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमें जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन करती है। इस अद्भुत ग्रंथ ने हमें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के विभिन्न सिद्धांतों का उपदेश दिया है, जो हमें सार्थक जीवन जीने का सार बताता है। गीता ने हमें साधना शक्ति और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को सिखाया है। इसने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सच्चे आत्मिक विकास की दिशा में हमें मार्गदर्शन किया है। भगवद गीता ने हमें ये सिखाया है कि जीवन को समर्थन, साहस और आत्मविश्वास के साथ निर्णय पूर्ण रूप से जीना चाहिए। इसने हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उत्साहित किया है। गीता के शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सार्थक और उद्दीपनवादी जीवन कैसे जी सकता है। इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से हम अपने आत्मा को समझकर, अपने कर्तव्यों का पालन करके और ईश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखकर एक शांतिपूर्ण और सत्यप्रिय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। गीता का अध्ययन करना हमें सच्चे आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक होता है। इससे हम अपने जीवन को सजीव, सार्थक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा और जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से आत्मविकास, ज्ञान और मोटिवेशन से जुड़े वीडियोस शेयर करते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।